स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर रिमेनिंग चैप्टर। अब हम अपना रिमेनिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बियर गोज बैक इन टू द वुड्स। बियर जो है फॉरेस्ट में वापस चला जाता है। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद क्या होता है देखिए। फार्मर, द कैरेट मस्ट बी रेडी, ही गोज टू द वुड्स विद हिज कार्ट। जो फार्मर है वो कहता है कि अब तो कैरेट जो है यानी कि गाजर जो है वो पककर वो रेडी हो गई होगी, वो तैयार हो गई होंगी, और वो अपने कार्ट को घोड़ा घाड़ी को लेकर वुड्स यानी जंगल में जाता है। फार्मर, फार्मर पुल्स आउट वन कैरेट। फार्मर उसमें से एक फील्ड में से एक कैरेट निकालता है यानी खेत में से एक कैरेट उखाड़ता है। हूँ, इट्स लुक्स नाइस एंड जूसी। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी और जूसी है। ही ईट्स इट्स, और वो उसे खाता है। एंड सो स्वीट टू, और कहता है कि ये तो स्वीट भी है, बहुत मीठी भी है। ही डिग्स आउट द कैरेट्स, ही पुट्स देम इन हिज कार्ट। वो सारी कैरेट्स को निकाल लेता है, गाजर को खोद कर फील्ड में से निकाल लेता है, और उन सभी को अपनी घोड़ा गाड़ी में रख लेता है। बियर कम्स आउट ऑफ द वुड। तभी बियर भालू वहाँ से जंगल में से निकल कर बाहर आ जाता है। बियर, गिव मी माई शेयर फार्मर। बियर कहता है कि मुझे मेरे हिस्से का शेयर दो फार्मर। फार्मर, श्योर, हियर टेक द लीव्स। तो फार्मर कहता है कि हाँ ज़रूर, ये लीजिए आपके हिस्से की लीव्स। बियर, हा हा हा, आई हैव द टॉप्स। तो बियर कहता है कि वो खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरे पास तो टॉप आ गया, मैं तो ऊपरी हिस्सा खाऊंगा। बियर च्यूज द लीव्स, आख। बियर कहता है कि बियर उन लीव्स को खाता है और कहता है ये तो अच्छी नहीं है। दीज लीव्स आर नॉट टेस्टी, ये लीव्स टेस्टी नहीं है। द रूट्स टू लुक टेस्टी, जो रूट्स हैं वो टेस्टी दिख रही हैं मुझे। फार्मर, आई विल टेक द रूट्स नेक्स्ट टाइम। तो फार्मर कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम रूट्स दे दूँगा, कि मैं नेक्स्ट टाइम रूट्स लूँगा। फार्मर, वेरी वेल मिस्टर बियर, बाय। और वो उन्हें रूट्स देकर वहाँ से चला जाता है, कहता है कि ठीक है, आप अगली बार रूट्स ले लीजिएगा। क्या होता है, टाइम निकलता जाता है और नेक्स्ट समर यानी गर्मियाँ आ जाती हैं। फार्मर, ही हो आई हैव कॉर्न टू ग्रो। वो गाना गाता हुआ जाता है और कहता है कि अब मैं उसमें कॉर्न यानी मेज भुट्टे उगाने जा रहा हूँ। बियर, गुड, दिस टाइम द रूट्स आर माई, रिमेंबर। अब वो बियर वापस से आ जाता है और कहता है कि इस बार रूट्स जो है वो मेरी होंगी, ये याद रखना। फार्मर, ऑफ कोर्स आई डू मिस्टर बियर। और वो कहता है कि हाँ ज़रूर, मुझे याद है मिस्टर बियर कि मैंने आपको रूट्स देने का वादा किया है। सम मंथ्स पास, कुछ महीनों बाद द फार्मर कट्स द कॉर्न। जो फार्मर होता है वो भुट्टे काटने लगता है। बियर, गिव मी द रूट्स फार्मर। बियर कहता है कि मुझे मेरे हिस्से के रूट्स दो किसान। फार्मर, फार्मर, ऑफ कोर्स हियर यू आर। तो फार्मर कहता है कि हाँ ज़रूर, ये लीजिए, ये आपके हिस्से के रूट्स है। नाउ यू हैव वॉट यू वॉन्टेड, बाय बाय। ही गोज ऑफ इन हिज कार्ट। अब वो उनसे कहता है कि ठीक है, चलो, आपने जो मांगा था मैंने आपको दे चुका हूँ, बाय बाय। और वो अपना कार्ट लेकर, घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। बियर बिगन्स च्यूइंग द रूट्स। बियर जो होता है वो रूट्स को खाना स्टार्ट कर देता है। ट्रफ, दीज आर हार्ड एंड ड्राई। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही कठोर और सूखी हुई हैं। द फार्मर इज़ वेरी क्लेवर, गुड। द फार्मर है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्लेवर है, और वो चिल्लाने लगता है। बट द फार्मर इज फार अवे बाय नाउ। पर फार्मर वहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर था। ये चैप्टर दोबारा से आप एक बार रीड करेंगे। अब हम इसके बुक वर्क करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सर्कल द करेक्ट आंसर। द फार्मर सोस कैरेट सीड्स इन अ, फार्मर कैरेट सीड्स को कहाँ सो करता है? हिज गार्डन, द फील्ड, द वुड्स। तो कहाँ पे करता है? सेकंड वाला, द फील्ड। नंबर सेकंड है, द बियर सेज दैट ही विल ईट द फार्मर बिकॉज ही इज। अब बियर क्या कहता है कि वो फार्मर को क्यों कहा जा देगा? क्योंकि वो क्या होता है, वो एंग्री होता है। फर्स्ट है एफरेट, सेकंड है एंग्री, थर्ड है हंग्री। तो वो क्या होता है, एंग्री होता है यानी गुस्से में होता है, इसीलिए वो कहता है कि वो फार्मर को खा जाएगा। नाउ सी वाला देखिए। आई विल ग्रो अ क्रॉप एंड गिव यू अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट।
अब द फार्मर से दिस बिकॉज ही, अब वो उसने फार्मर ने ये बात क्यों कही थी, बिकॉज ही लाइक्स द बियर या इज अफ्रेड ऑफ द बियर, उसको भालू पसंद था इसलिए उसने ये बात कही थी या वो डर गया था भालू से इसलिए उसने कहा था। तो सेकंड वाले पे टिक लगाइए, इज अफ्रेड ऑफ द बियर, वो बियर से डर गया था इसलिए उसने ये बात कही थी। दिस टाइम द रूट्स आर माय, रिमेंबर द बियर वॉन्ट्स द रूट बिकॉज ही थिंक दैट, बियर ने रूट्स क्यों मांगी थी, उसे क्या लगा, ऑल रूट्स आर टेस्टी, क्योंकि ऑल रूट्स जो होती है वो टेस्टी होती है, ऑल लीव्स आर टेस्टी, क्योंकि ऑल सारी लीव्स जो होती है वो टेस्टी होती है। तो फर्स्ट वाले पे टिक लगाइए, ऑल रूट्स आर टेस्टी। सो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर फिल करने हैं और चैप्टर एक बार दोबारा रीड करना है, थॉरली एक बार रीड करिए, जो भी मैंने आपको समझाया वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।